ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एरीज पीपल, और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओ एरीज, फॉर यू आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लव लाइफ, चेंज, और मे बी कुछ लोगों के लिए एंडिंग है, बिगनिंग है। सो लेट्स फाइंड आउट। टू कार्ड्स, एरीज, व्हाट्स गोइंग ऑन? ईदर यू हैव ऑप्शंस, या हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। सी, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पर एरीज़ अपने आप को हील कर रहे हैं। और इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है यू आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि क्या आप अपने दिल की सुने, या आप प्रैक्टिकली मतलब कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मे बी कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट मनी ऑल्सो, तो इन दोनों चीज़ों में से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग गोइंग ऑन योर माइंड, तो फीलिंग्स का, और जैसे कहते हैं ना, फीलिंग्स और इमोशंस, और दूसरी साइड है प्रैक्टिकल होना थोड़ा सा, कि काम कैसे होगा, अब मैं दिल की सुनूं या अपने दिमाग की सुनूं। तो ये दो चीज़ें मुझे एरीज़ के लिए दिखाई दे रही हैं। तो उन चीज़ों में से आई थिंक उस स्ट्रगल में से आप निकलने की अपने आप को पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, या तो रिलेशनशिप ऑलरेडी कोई ऐसा था जो आपकी लाइफ में था, या ऑन द वर्ज ऑफ लाइक यू नो सेपरेशन कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं कनेक्शन को। ऑन द अदर हैंड, योर पार्टनर इज़ फीलिंग वेरी वेरी डिप्रेस्ड, टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, येस ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन हो, शायद हो सकता है हाइपर हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है लाइक दे आर हॉन्टेड, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप यहाँ परेशान हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको घूम फिर के यादें आ रही हैं, दिस एंड दैट। सो देयर इज़ समथिंग बेसिकली अबाउट दिस कनेक्शन जो कि थोड़ा टॉक्सिक है। ये हर्ट है, बहुत ज़्यादा इस बात को लेके परेशान है, बहुत ज़्यादा, एंड मे बी आप दोनों फेस कर रहे हो अ टावर मोमेंट। अब टावर का मतलब क्या है? दैट मे बी यू आर नॉट टॉकिंग, कोई दूरी है, स्टफ लाइक दैट, बहुत सारे मे बी आ रहे हैं। सो फॉर ऑल द एरीज, आई थिंक ये आपकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो आप पूरी पूरी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, येस यू आर हीलिंग योर सेल्फ। सो यू आर लाइक, आप जस्टिस चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं। कुछ एरीज के लिए, इफ यू आर टोटली सिंगल, देन लेट मी टेल यू दैट मे बी अ न्यू कनेक्शन इज कमिंग योर वे, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर टोटली सिंगल, तो कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, बिकॉज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मे बी सम सॉलिड कनेक्शन, यू नो। और इफ़ यू आर यू नो इन टू अ थर्ड पार्टी कनेक्शन या जो भी है, देन मे बी इट्स अबाउट मनी वाइज दैट यू आर मैनीफेस्टिंग समथिंग। कोई लव तो है ही है, यू नो, अपॉर्चुनिटीज तो है ही हैं। उसके साथ साथ आई थिंक लाइक अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू मनी ऑल्सो, वो भी हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे, बट ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, और मे बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन और समथिंग रिलेटेड टू मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब रही बात इस पर्सन की, जिनकी स्पेसिफिकली जिनके साथ भी आप डील करें, इनका नेक्स्ट मूव, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रिजिस्टिंग, थोड़ा सा रिजिस्ट करना अपने आप को, ठीक है, कि नहीं मतलब कुछ भी हो, हालांकि बहुत कुछ चल रहा है इनके हार्ट में, लेकिन उन्होंने अपने आप को वो बबल में बंद कर लिया कि नहीं, नो, कुछ भी हो, जितना मर्जी वो फील करें, बट दे आर नॉट गोइंग टू यू नो चेज यू और स्टफ लाइक दैट। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चलिए अब फटाफट से आपके करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द एरीज। करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा? और मे बी एरीज, इट्स यू,
मान लीजिए ये आप ही हो सकते हैं, कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, और हो सकता है आपने अपने आप को उस बबल फेज में बंद कर रखा है कि नो, आप रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले, या आप अपने जो पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करने वाले. सॉरी, बट हाँ, ये स्टोरी भी मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक अपनी तरफ से कोशिश करें, दिस एंड दैट, और लेकिन आप शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना शो करें. चलिए फटाफट से अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द एरीज. करियर वाइज ये जो हफ्ता है एरीज के लिए कैसा रहेगा? करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. आई थिंक आप बहुत अच्छा कुछ कुछ अचीव कर रहे हैं. ठीक है, इट्स अबाउट पासिंग लेवल्स. कोई लेवल्स आप क्रॉस कर रहे हैं. यू विल बी क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी विद योर करियर, क्योंकि आपकी जो भी जैसा भी आप चाह रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है. लाइक योर नीड्स आर बींग मेट. ठीक है, तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा. सो आई थिंक आप बेहतर ही सोचे तो अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचे तो अच्छा होगा. येस, वी हैव दैट फोर ऑफ वन. इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन, मिल के काम करना. तो ये जो हफ्ता है करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड, इट सीम्स टू बी नाइस, एंड गुड थिंग्स आर कमिंग. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ध्यान है बहुत ज़्यादा आपके करियर में, बहुत ज़्यादा लाइक मल्टीपल, मे बी कुछ लोग हो सकता है कि मल्टीपल थिंग्स यू आर डूइंग, यू वॉन्ट टू अचीव, आप ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, और लाइक एक साथ दो दो काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं थिंग्स, बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं. तो बेसिकली यूनिवर्स का यही कहना है कि योर नीड्स आर मेट, तो नॉट टू वरी. चलिए फटाफट से अब क्या गाइडेंस है देखते हैं फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज. एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि एरीज के लिए इस हफ्ते क्या गाइडेंस है. ओके, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी जेलस. इफ़ इन केस अगर ऐसे कोई थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए बिल्कुल भी, और ये मत सोचिए कि ठीक है लेजरली, यू नो, स्पेंडिंग, सिटिंग रिलैक्स्ड, कोई चिंता नहीं है. नो, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. आपको बहुत कुछ अचीव करना है, और अगर करना है तो फिर आप ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आपकी लाइफ में ये मैटर करना चाहिए, यू नो. तो आई थिंक आपके लिए यही आपके लिए गाइडेंस है. सी अगेन, आई एम गेटिंग जजमेंट, यू नो. सो इट्स अबाउट पासिंग लेवल्स. तो आप पास करते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, और स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, और डोंट पोस्टपोन, डोंट डिले थिंग्स. अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, मोमेंटम है, आप करते जाइए, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं. और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप आराम से बैठे रहें, रिलैक्स होके और काम अपने आप हो जाएगा. नो, यू नो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल. सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.